हेलो एवरीवन, आई रंजन शर्मा फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हायरार्की ऑफ जजेस। जो आजकल के स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं जजेस के लिए, वो एग्ज़ाम देने के बाद हम किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हायरार्की ऑफ जजेस। उसको जानने के लिए हम पहले बताएंगे आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। जैसा कि हमें पता है, कॉमन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स जो कि थ्री लेवल पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो पहला हमारा है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एपिक्स कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो ऑल ओवर द कंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 30 to 34 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसकी थ्री ज्यूरिसडिक्शन होती है ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज़ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट खुद लेती है जो ज्यूरिसडिक्शन, उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर्टेन केसेस में हमें क्या एक्ट करना चाहिए, क्या प्रोविजंस यूज़ करने चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है अपनी एडवाइस देने से, और अगर चाहे तो उसमें एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट हमारी ज्यूरिसडिक्शन है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। जैसा हमें पता है कि अपील करने के बाद, जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई केस आया, वो अपील करने के बाद हाई कोर्ट में गया, वहाँ से अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, दिस इज़ द लास्ट कोर्ट ऑफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहीं और अपील नहीं कर सकते। तीसरी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 5 रीट्स एक्सप्लेन की गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसे ही 5 रीट्स हाई कोर्ट की भी है, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती है हाई कोर्ट के। और जो स्टेट और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में लाए करते हैं। एंड वन मोर ज्यूरिसडिक्शन इज़ दैट कि जो भी हाई कोर्ट के मैटर्स होते हैं, वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। और जैसा कॉमन टर्म हमने सुना है PIL, विच मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इज ऑल्सो एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट कोर्ट है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। जैसे हमने सुना है दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली के लिए फंक्शन करता है, और अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स उस स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं। इसके नंबर ऑफ जजेस डिपेंड करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो दो ज्यूरिसडिक्शन है, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो केसेस हैं, वहाँ से जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट में जाती है। और एक आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो भी ऐसे मैटर्स होते हैं जो हाई कोर्ट को ऐसा लगता है उन्हें उस मैटर में अपना से होना चाहिए, तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो केस ले लेते हैं और उसमें अपना अपने तरफ से उसमें ज्यूरिसडिक्शन लगा के उस केस को देखते हैं कि उस केस में कैसे प्रोविजंस डालने हैं और कैसे उस केस को फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो कोर्ट है, दैट इज़ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भी बहुत काइंड ऑफ कोर्ट्स होते हैं। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में दो कोर्ट्स हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविल मैटर्स प्रॉबेबली, एंड जो सेशन कोर्ट होते हैं वो क्रिमिनल मैटर्स से डील करते हैं। अब इसमें क्या, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट या टू मिला के कंबाइन करके एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब इसमें भी जो जजेस होते हैं, हमें जैसे पता है डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब हम जो हायरार्की ऑफ जजेस की बात कर रहे थे और क्वालिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के डायरेक्ट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एडवोकेट। आफ्टर दैट ओनली यू कैन बी क्वालिफाइड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके नीचे है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसके कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होते, लेकिन उससे भी नीचे है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। तो ये जो PCSJ एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स आफ्टर क्वालिफाइंग देयर LLB एग्ज़ाम्स, आफ्टर गेटिंग अ डिग्री, जो वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं PCSJ,
उससे हम जो क्वालिफाई करते हैं तो हमें ये पोस्ट मिलती है, दैट इज़ मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेंचेस. पहला है डिविजनल बेंच, सेकेंड इज़ फुल बेंच एंड थर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. डिविजनल बेंच में दो जजेस बैठते हैं इसीलिए इसको डिविजनल बेंच बोलते हैं. सेकेंड बेंच इज़ फुल बेंच. द नंबर ऑफ जजेस सिटिंग ऑन फुल बेंच इज़ 3 to 5. लास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 7 जजेस और मोर बैठ सकते हैं. आज तक हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहे हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस सिटिंग ऑन अ केस इज 13, जो कि केशव नंद भारती केस में बैठे थे, जो कि हम वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द केस. नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको हम जजेस या मैजिस्ट्रेट करके नहीं रेफर करते, उन्हें हम जस्टिस बुलाते हैं. और ऐसे ही सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उन्हें जजेस या मैजिस्ट्रेट करके बोलते हैं. और इनमें डिफरेंस क्या है, जजेस तो सिविल मैटर्स में होते हैं और मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर्स में होते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है. जाते जाते हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं. सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए डायरेक्ट एग्जाम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए भी डायरेक्ट एग्जाम होने चाहिए? जैसा सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, तो डू यू थिंक दैट्स फेयर एनफ और डू यू थिंक देयर शुड बी सम डायरेक्ट एग्जाम फॉर दैट टू? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड द टॉपिक वी एक्सप्लेन टुडे उससे रिलेटेड हमारे पास एक आर्टिकल भी है जो अटैच्ड है लिंक में. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.